मड़ी सीमा तू बड़ी खुशी हुई तू मड़ी साढ़े घर आई। बैठो तू बैठ में आनी है। अच्छा और सुनाओ मड़ी किंया नहीं आती जेडी तू मिकी उस दिन गल सुनाई नहीं। हाँ। मैं ओदे बारे तेरे कोला और सुनना चाहनी। मड़ी जी अस उस दिन मिले ही नहीं मिकी अजें भी बड़ी घबराहट होआ दी है। जेल्लै अ'ऊं इक्कली होनी ते मिकी अपने कच्छ इ'यां इक बुरा साया सेही होंदा है। मड़ी हुन मिकी नहीं पता कि केह् करना है। मड़ी अ'ऊं समझी सकनी जेड़ा डर तुकी लग्गा दा है अ'ऊं समझी सकनी, मगर मेरा विश्वास है कि मेरे सतगुरु प्रभु येशु जी इस सारी बुरी आत्मा गी ठाई सकदे। तू घबरा नहीं। सच प्रभु येशु उस बुरी आत्मा की भी दूर करी सकदे न जेदा मिकी डर लग्गा दा है। हाँ तू किश दिन प्रभु दे अग्गे प्रार्थना कर, उंदे के अग्गे विनती कर ते तेरी सारी घबराहट दूर हो जानी और जेकी भी बुरी आत्मा तेरे अग्गे पीछे वो भी दूर हटी जानी जेकर तू विश्वास करगी ते। हाँ तो अं जरूर प्रार्थना करगी प्रभु येशु दे अग्गे। मड़ी तुकी फर्क लग्या नी ते फी मिल गया ता मिकी जरूर सुनाया। ठीक है मड़ी पूजा केह् सुना दुखी चमत्कार हुई आ। जदों मैं प्रार्थना करना शुरू कीते दा नी अदूं मिकी इ'यां लगदा मेरे उप्परा कोई भार उतरी दा है। हुण मिकी कोई डर नहीं लगदा और हुण मिकी बुरी आत्मा दा साया भी महसूस नहीं हुंदा है। ए सुनिए बड़ा गै शैल लग्गिया। आऊं बड़ी खुश होई मड़िए कि तू अपने जीवने च सच्चे सतगुरु येशु जी दे कम्मे की अपने जीवने च दिखा करनी। मड़ी पूजा जियां मैं तुकी पहले भी सुनाया है नी एक बां जनानी दी ना कोई घरे विच इज्जत है ना कोई परिवार विच इज्जत है, मगर जिस दिन तो मिकी जेकियां खुगे पर गल्लां सुनाईयां नी ओदे विच मिकी एक ए मेल मिली कि आखिर तू इन्नी शैल गल्लां कुत्थों सिखी दियां। मड़िए तेरे आले लेखा मैं भी बड़े दुख कट्टे ते अपने घरे च बड़ी शर्मिंदा होई, मगर मेरे गुरु येशु जी ने मेरी सारी शर्मिंदगी की दूर कीता कन्ने मेरे सारे पापें की ढक्की दिता ते कन्ने मिकी बड़ी इज्जत बख्शी। एक बार एक जनानी ही वो अपने घरे आस्ते बड़े गै शर्मे का कारण बनी गई थी कि उस जनानी की 12 बरे दी लहू बहने की बीमारी लगी गई थी। तो जिस वेले वो जनानी प्रभु येशु को लाई तो प्रभु और जेड़ा कपड़ा पा रहा हा उन्हें उस कपड़े की छूता तो वो जनानी ठीक हो गई। अगर प्रभु की जगह कोई और हुंदा तो उन्हें आखना हा कि इस जनानी ने असें गंदा करी उड़िया, मगर प्रभु येशु पवित्र हा उन्हें उस जनानी की सिर्फ ठीक नहीं किया उसकी शर्म की भी अपने ऊपर ले लिया। प्रभु येशु ने ऐसा कोका काम किया हा जेदे कन्नो इन्ने पवित्र होई है। उन्हें किश नहीं किया वो पहले कोला है वो पवित्र है ते उन्हें सच्चे परमात्मा ने इस दुनिया च भेजा हा ते उन्हें साड़ी सारी शर्म की अपने ऊपर ले लिया। कियां उन्हें साड़ी बेइज्जती की दूर किया असें केह किया उन्हें पाने वास्ते। आऊं कल एक येशु सत्संग जी जाए करनी हाँ ते उत्थे साड़े गुरु प्रभु येशु जी दे बारे च सुनागन ते तू मेरे कन्ने कल सत्संग च चले। भैने अं जरूर चलगी तेरे कन्ने सत्संग। नमस्ते। ये मेरी सहेली सीमा है ये आज पहली बार सत्संग च आई है। आओ अस प्रार्थना करते। अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। प्रभु येशु ने असेंगी अज्ञानता चा सच्चे रस्ते च अन्याय नेरा चा असेंगी प्रभु ने लोई चंदा कन्ने मौत चा कड्डियै असेंगी हमेशा जीवन दिता।
परमात्मा ने अपने पुत्र प्रभु यीशु जी इस संसार च भेजा, वह पवित्र हा और उसकी कोई गलती नहीं, मगर फिर भी उसने साढ़े पापें की अपने ऊपर ले लिया। वो सारी गल्ला साढ़ा कितना बलि चढ़ाया गया, उसके जी उठने पर प्रभु यीशु ने उस मौत की और इस दुनिया की सारी बुरी आत्मा के ऊपर जीत पाई लेती है। वो साढ़ा कश आया, साढ़े पापें की अपने ऊपर ले लिया कि असेंगी आज़ाद कर सके, कन्ने इज्जत की जिंदगी दे सके। जेल्लै अस मन्नी लैने अस पापी हाँ तो परमात्मा का रस्ता तो भुल ही चुके हैं और पछताने तो वह असेंगी माफ़ करी दिंदा है, तो अस पूरी आजादी कन्ने उदे स्वर्ग च पुजी सकने, तो अस प्रभु येशु दे पुत्र ते पुत्रियां बनी सकने बगैर किसी डर शर्म ते फिक्र दे। मड़ी सीमा तू? हाँ मड़ी पूजा। पूजा मड़ी तू के गल सुना, तू यकीन नहीं होना, मैं ते मेरे घरे वाला हून के डॉक्टर कशा आए ते मड़ी आ मां बनने वाली है। सच मड़ी? मिकी बड़ी के खुशी हुई कि प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुनी ली। हाँ मड़ी सच, जियां तो आख्या उंगा गया। अच्छा। उन्हें मेरी खाली झोली की खुशियां कन्ने भरी दिता ते मेरी सारी शर्म की दूर करी दिता ते मिकी बुरी आत्माएं कोला भी छुड़काई दिता। अच्छा, हां मड़ी अंदर ही आ।